भारतीय जनता पार्टी से निलंबन चेक के कार्रवाई के समर्थन में यह मीटिंग चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पिछले 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता क्या सही बात करने के लिए कोई निलंबन की जाती है, चर्चा की जाती है, चर्चा करके उसका कोई सुझाव निकालना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के उम्मीदवार अड़चन में आ गए नागपुर जिले में। मैं एकमेव ऐसा आमदार हूँ जो सामाजिक क्षेत्र से राजकारण में आया हूँ और राजनीति करते करते अनेक तबके के लोगों को, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को मदद किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी। मैं रामटेक के विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बंडखोर आमदार आशीष जायसवाल को फिर से महायुति का उम्मीदवार देने के विरोध में मैंने एक आवाज उठाई। मुझे बुला के बात करना चाहिए था। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश के हमारे नेते, इन्होंने मेरे से चर्चा करना चाहिए। गत 35-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो शुरुआत थी वो रेड्डी साहब ने यहाँ पर करी और गरीबों की सेवाओं के साथ में। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो निलंबन हुआ है साहब का, रेड्डी साहब का, ये वरिष्ठ लोगों ने, पदाधिकारियों ने वापस लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने राजनीति जाजा समाज सेवा किया। एम्बुलेंस से लेकर गरीबों को पोशाक वितरण किए, किताबें वितरण करें और भी ढेर सारी सेवाएं, और विदर्भ में इतना मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संपत्ति का नुकसान करके लोगों की सेवा का उनको नशा है, लोगों की सेवा ही उनका लक्ष्य है, मानव सेवा, ईश्वरीय सेवा उनका, इस मिशन पर वो काम करते हैं। मैं चाहता हूँ वरिष्ठ को पुनर्विचार करना चाहिए कि निलंबन का है, क्योंकि जो युति का कैंडिडेट जो अभी घोषित किए जायसवाल जी, ये व्यक्ति युति धर्म निभाने में अकार्यक्षम है। अभी तक के इतिहास यह रहा कि आज तक के उनने युति का धर्म का पालन नहीं किया है। बूथ प्रमुख कार्यकर्ता जो गए 30-35 साल से एक बीजेपी के कमल का आमदारकी का जो राह देख रहे थे, उनके सम्मान में आज का मेड़ावा है। तो हमारी ये मांग है कि रेड्डी साहब की कार्रवाई वापस ली जाए। जो भी पक्षाचार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो उनके स्टेटमेंट से ये हुआ है, अपमान हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। रेड्डी साहब भी खुद माफ़ी मांगने वाले हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषिक है, मराठी बोलते समय उनके हाथ से कुछ ये हो गया है। लेकिन उनकी जो मांग थी वो रास्ता मांग है, क्योंकि अगर हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, कमल के चिन्ह के लिए हम अगर समझ लो सम्मान से काम कर रहे हैं, अपना घरदार छोड़ के काम कर रहे हैं, तो इस वेदांत सभा क्षेत्र में कमल का चिन्ह चाहिए, हमारी मांग है। अभी भी बेबी फार्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी मांग है हमारे महायुति से, हमारे फडणवीस साहब से, हमारे बावनकुड़े साहब से, कि ये कमल के टिकट को ये विधानसभा छूटना चाहिए और उम्मीदवार भी भाजपा परिवार में से रहना चाहिए। भाजपा परिवार भी ताकतवर उम्मीदवार है और हमारे पारिवारिक के बड़े सदस्य को जो है यहाँ पे निलंबन की कार्रवाई वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे जनभावना भी दुखी है और विधानसभा में भी जो है बहुत अच्छे नाराजगी के सुर चल रहे हैं।